पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंगलवार को एमडीए की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से 510 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने विकास शुल्क में प्रगति अच्छी होने पर एमडीए को बधाई दी। उन्होंने एमडीए को दिव्यांगों के अनुरूप एक गलियारा बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि नया मुरादाबाद में भी एमडीए लोगों को जागरूक करे, खेलकूद और पुस्तकालयों के संबंध में भी एमडीए लक्ष्य बनाकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि एमडीए ऐसे पहलुओं को चिन्हित करे जिससे एमडीए की आय में बढ़ोतरी हो सके। सोनकपुर योजना दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर होगी। बैठक में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एमडीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त संजय चौहान, सचिव एमडीए राजीव पांडे, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य राम किशोर चौहान और राजू कालरा, संपत्ति अधिकारी आरआरपी सिंह आदि के साथ और भी अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि जीरो पॉइंट से गांगन नदी तक की सड़क मॉडर्न रोड के रूप में विकसित की जाएगी। इससे बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी का एहसास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मॉडर्न सड़क दिल्ली और मुंबई की सड़कों की तर्ज पर बनाई जाएगी। ग्रीन बेल्ट भी विकसित की जाएगी। मॉडर्न रोड में रोड इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सड़क किनारे लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी जिससे लोग सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में बैठ सके। यहाँ पर वर्टिकल गार्डन भी बनाए जाएंगे, आकर्षक लाइटें भी लगाई जाएंगी। वहीं बताया कि जल्द ही सोनकपुर योजना लॉन्च की जाएगी। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित किया गया। योजना दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित होगी। यहाँ पर भव्य ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इस आलीशान ऑडिटोरियम में सारी सुविधाएं होंगी। ऑडिटोरियम में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी परिसर में आर्ट गैलरी, सिटी सेंटर भी बनेगा। प्रतिभाओं को निखारने के लिए अलग अलग गैलरी बनेगी। इसके साथ ही हुनर हाट के लिए भी जगह होगी। इन स्थानों पर छोटे छोटे हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जा सकेंगे। ऑडिटोरियम में शॉपिंग मॉल और होटल भी होगा। एमडीए बोर्ड बैठक में महानगर के हस्तशिल्पियों और छोटे छोटे कामगारों का भी विशेष ध्यान रखा गया। काशीराम योजना में रिक्त सीलिंग की भूमि पर हस्तशिल्पियों और कामगारों को छोटे छोटे कमर्शियल प्लॉट आवंटित किए जाएंगे जिससे हस्तशिल्पी और कामगार आसानी से रोजगार कर सके। इसका भी प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से पास किया गया। आमतौर पर किसी की जमीन ग्रीन बेल्ट में आने पर वो घबरा जाता है। ऐसा होने पर उसे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में बोर्ड बैठक में भी प्रस्ताव पारित किया गया। प्राधिकरण की पूर्व से घोषित रिक्त संपत्तियों को इस वर्ष भी पूर्व की दर पर ही बेचा जाएगा। पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत ही इसका लाभ लोगों को दिया जाएगा। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। ढक्का देहरी मुस्तकम योजना में निर्मित 4 मंजिले एलआईजी भवन और नया मुरादाबाद सेक्टर 16B एवं मझोला योजना में निर्मित ईडब्ल्यूएस भवन शामिल होंगे। नया मुरादाबाद सेक्टर 4 में निर्मित सोर्सिंग हब कॉम्प्लेक्स को अब उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड को नहीं सौंपा जाएगा। इस संदर्भ में भी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में मोहर लग गयी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।